इसी क्रम में हम पहुंचे हैं मलेरी कोट में और हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्स हैं वो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि राम दुलारे चौहान हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज़ादी के पर्व पे क्या कहना चाहते हैं आप। आज आज़ादी के पर्व पे क्या कहना चाहते हैं? आज स्वतंत्र दिवस है। हमारा गांव और हमारा पूरा देश बड़े अच्छे तरीके से मना रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी यहाँ पर उपस्थित गाँववासियों को धन्यवाद तहे दिल से सम्मान करते हुए आह्वान करूँगा। इस अमृत सरोवर के स्थल पर मैं अच्छे से अच्छे इस सरोवर को बनाकर घोसी ब्लॉक में नंबर वन स्थापित करना चाहता हूँ। हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है, लोग हर घर तिरंगा लेकर रास्ते पे भी सड़क पे भी आए हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी घर घर तिरंगे जो लहरा रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये इतने समय में मैं पहली बार इतना जोर शोर में देख रहा हूँ कि भव्य कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में। पूरे देश में जैसा आप बता रहे हैं कि भव्य कार्यक्रम चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या मैसेज जाएगा इससे? बहुत अच्छा जाएगा ये मैसेज पूरे देश में। आप मलेरी कोट के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, काफ़ी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, आप अपने गांव के लिए ऐसा कौन सा कार्य करेंगे? इस गांव के लिए मैं अधिक से अधिक विकास कार्य करूंगा और इस गांव को एक मॉडल के तहत मैं कोशिश करूंगा कि बनाऊं और गांव का नाम रोशन करूंगा। आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं हम, अभी भी गांव में बहुत ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, आए दिन खड़ंजा पे ही पानी लगा रहता है और कई गांव में, इस स्थिति में अगर आपके गांव में तस्वीर हो तो उसके लिए क्या करेंगे? ऐसे बहुत थी हमारे गांव में, जैसे गड्ढे बहुत थे, पानी लगता था, मैं उसको पटवा कर और उसको अच्छा खड़ंजा निर्माण कराया हूँ। क्या लगता है आपको आज़ादी के 75 साल में जिस तरह से सभी लोग तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं, अमृतकाल की बात कर रहे हैं, गांव में तस्वीरें अभी भी बदल नहीं रही हैं प्रधान जी, रीज़न क्या है? मैं इस गांव के तस्वीर को बदलना चाहता हूं और बदलूंगा, अच्छे से अच्छे कार्य करके दिखाऊंगा। आप इसी गाँव के वासी हैं, तस्वीरें बहुत साफ हैं, आज़ादी का हम जश्न तो खूब मना रहे हैं मगर उतने आज़ाद हैं नहीं जितने होने चाहिए थे। अभी भी न शिक्षा है, न अस्पताल है अच्छी, न सड़कें हैं, न खड़ंजा है, न नाली है, आखिरकार कितना समय चाहिए? और अरे सर, इसके लिए तो हम 75 साल से आ रहे हैं धीरे धीरे, और ये शिक्षा पर ज़्यादा जोर और स्वास्थ्य पे देंगे तो हमारा जल्दी मतलब विकास होगा सर, इस ग्रामवासियों का, और इस जब शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे गाँव में आएगा सबके अंदर गुड़ मतलब बुद्धिमत्ता आएगी जिससे हमारे गांव और समाज का विकास होगा। तो ये मलेरी कोट के ग्रामवासी थे और प्रधान प्रतिनिधि थे, जैसा बता रहे हैं कि मैं अपने गांव में विकास करके अपने गांव को नंबर वन बनाऊंगा। अब देखना ये है कि क्या ये वादा ही करते हैं या काम भी करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।